कैसे मैं समझता हूँ ठीक ठाक मज़े में होंगे, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ ठीक ठाक अब मज़े में हो। तो आप लोग देख रहे हैं फैसल इलेक्ट्रिकल। तो असल में हुआ क्या, ये मैं एक बार ये बोर्ड बनाया था, शॉर्ट वीडियो डाला था, तो मैं चेंज कर रहा था वायर। ये असल में वायर है छोटा, तो लगाना है ये वायर बड़ा थोड़ा, और वो छोटा वाला वो निकाल के रखा हूँ, तो लगाना था। तो मैं सोचा कि वीडियो भी बना के डाल दूँ। तो अगर पुराने हैं तो भाई साहब थोड़ा सा मेहरबानी करके आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं, अगर आप लोग को जानकारी है। जिसको जानकारी नहीं है, बोर्ड की जानकारी लेना चाहते हैं, उनको आने का मौका दें। तो सबसे पहले चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। तो देखो ये हमारा फेस का आएगा, तीन वायर है। पहले वायर चेक कर लेते हैं। वायर का क्या है कि वायर लगाने से पहले उसी का काम पड़ता है। तो वायर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, देखो ये दो वायर है, दो वायर मतलब इसके इसके पूरे के एक स्टार्टिंग के एक एंडिंग के। तो देखो ये हमने दो तीनों वायर एक ही में ज्वाइंट कर रखा है, इधर तीनों वायर एक ही में ज्वाइंट है। अब मीटर मल्टीमीटर या सीरीज से आराम से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको मल्टीमीटर को रखेंगे ऐसे कंटिन्यूटी पे, और देखो ये एक पकड़ेंगे ये, और दोस्तों पहले देख लो ये वायर हमने तीनों एक ही में ज्वाइंट करके रखा है। देखो ये हम पकड़ रहे हैं, तो देखो ये ओम दिखा रहा है, ये एक पॉइंट इस पर रखेंगे, एक इस पर रखेंगे, तो हमारा कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। हाँ तो देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब हमारा वायर सही। अगर ये 100 मीटर 200-400 मीटर भी हो तो चेक ऐसे आराम से कर सकते हैं। अब देखो ये दूसरे वायर को भी हमने ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों साथ में पकड़ के रखा है। देखो ये ओम हमारा दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब हमारा ये वायर सही है। एक और तरीका चेक करने का दोस्तों, एक ये वाला पॉइंट, ये दूसरा ये वाला, ऐसे पकड़ेंगे तो भी ये हमारा ओम दिखाएगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा, समझ लो सही है। तो हाँ दोस्तों देखो ये ऐसे टच करेंगे, देखो ये हमारा काला वाला वो ग्रीन वाले पे, और देखो ये हमने पकड़ रखा है, देखो ये ओम दिखा रहा ऐसे। अब देखो ये ब्लू वाला चेक कर रहे हैं, देखो ये ब्लू वाला हमने ब्लू वाले पे रखा हुआ है, देखो ये ब्लू वाले चेक कर रहे हैं। तो कितना भी वायर लंबा हो चेक कर, हाँ दोस्तों देखो ये रेड वाला चेक कर रहे हैं। तो चलो अब इसका करते हैं कनेक्शन और दिखाते हैं आप लोग को। हाँ तो दोस्तों रेड वाला वायर हमारा यहाँ पे आएगा जो फेस का रहता है, यहीं से आउट होके देखो ये डिस्प्ले वाले पे चला गया है, फिर यहीं से आउट होके थोड़ा सा एक दो सेकंड बाद ऑन होगा, जैसे चालू करेंगे तो एक दो सेकंड बाद ऑन होगा। तो देखो ये फेस का इस पर चला गया है, और एक ये वायर दूसरी सर्किट पे ये वाले पे आ गया फेस का, और बाकी न्यूट्रल जो है ये न्यूट्रल ये वाला है, तो ये न्यूट्रल है और दूसरा हमारा ये वाला न्यूट्रल। देखो यहाँ से न्यूट्रल आया, एक वायर न्यूट्रल के यहाँ पे आएगा, ये स्विच ऑन रहेगी तो यहाँ से ये हमारा आउट होगा, आउट होके देखो यहाँ पे आया, आउट होके ये आया पूरा, ये न्यूट्रल का हिस्सा। हाँ दोस्तों देखो यहीं पे ये पत्ती जो आई हुई है यहीं पे देखो ये न्यूट्रल गेट टच हो गई, तो ये सेफ्टी हमारे सेफ्टी के लिए स्विच लगा रहता है। तो ये पत्ती ये न्यूट्रल की है, कि न्यूट्रल कोई भी चीज़ चलाने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत है। फेस हमारा यहाँ से इसको डिस्प्ले को ये मिल गया, और ये वाला न्यूट्रल जो है हमारा ये यहाँ से इसको मिल गया, डिस्प्ले हमारा शो करने लगेगा फिर ऑन होगा। तो ये देखो ये हमारा USB का है, दो वायर, एक न्यूट्रल एक फेस। हाँ तो उसको भी AC से DC कन्वर्ट करने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ हमारे पार्ट्स लगे रहते, डाइस्टेंस डायोड और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे रहते जो AC से DC में कन्वर्ट करके हमारा ये चार्जिंग या और DC से सामान चलाने वाले कोई भी DC मोटर हो गया या कुछ भी हो गया तो हमारा आउटपुट DC देता है डायोड। तो चलो अब देर न करते हुए चलो इसको वायर को जोड़ते हैं फिर चालू करके दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों देरी न करते हुए देखो यहाँ पे देखो ये हमारा फेस आएगा, यहाँ पे अर्थ का आएगा, और यहाँ पे ये वाली स्विच पे न्यूट्रल आ गया। तो पहले हम जोड़ लेते हैं वायर, वायर तीनों को पहले हम कनेक्शन कर देने फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। हाँ दोस्तों देखो हमने वायर ये जोड़ लिया है, इसको घर पे भी आराम से बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसका, बहुत ईजी बहुत सिंपल रहता है। बस न्यूट्रल फेस आपस में कहीं टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो
60 फीट हो जाएगी, तो इससे हमें बचना है, ये चीज़ नहीं होने देनी है। अब दोस्तों बनाने के बाद जो है ऐसे मीटर से ऐसे ही हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं रहे, ऐसे दोनों वायर पे रख के अच्छे से चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट तो नहीं रहे, तो उसके बाद हम लाइट देंगे, उसके बाद सप्लाई देंगे। सेफ्टी से काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस दोनों वायर आपस में टच नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों देखो हमने सीरीज में लगा के रखा है, सीरीज में हम चेक कर सकते थे लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए हमने देखो ये लगा के आप लोग को दिखा दिया। देखो चालू था, हालांकि मैं ये वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके गाइस, देखो 216 वोल्ट है।